चार्ट बुक दिख रहा है आपको सबको NDAs 12 का। तो अभी हम जितना भी रिवीजन करेंगे ना, जितना भी क्या, अभी हम कोशिश करेंगे हम पूरा रिवीजन करें अच्छे से, एक एक करके वन बाय वन, एक एक पॉइंट का रिवीजन करेंगे। अगर हम यहां से अगर ऐसा लगता है कि इस चार्ट बुक में कुछ चीज कवर नहीं हुई तो आप मुझे बल्कि बता दीजिएगा, हम बुक से रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए हम इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं आज के सेशन में, हम इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंड एस 12, ठीक है ना, इंड एस 12 सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इंड एस 12, इंड एस 12, इंड एस 12 का नाम क्या है, इनकम टैक्सेस। इंड एस 12 का नाम क्या है, इनकम टैक्सेस, ठीक है ना। सो इंड एस 12 को हमने चार्ट्स में कैसे रखा हुआ है, पॉइंट वाइज। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद करंट टैक्सेस, करंट टैक्सेस के बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट के बाद मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्सेस एंड डेफर्ड टैक्सेस, उनके ऑफसेटिंग प्रोविजंस, स्पेशल केसेस, मिसलेनियस प्रोविजंस, ये सारी बातें हमने इसमें रखी हुई है। तो वन बाय वन करके, एक एक करके हम बातों को डिस्कस करेंगे। सर ये सुनने के लिए, रिविजन सुनने के लिए हमारे पास चार्ट बुक का होना जरूरी है? नो, नॉट नेसेसरी। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट बुक नहीं भी होगा आपके पास, मेन बुक होगा तो भी चलेगा। चलिए इंड एस 12 इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्सेस डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, कौन कौन सी चीजों को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अकाउंटिंग इनकम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग इनकम को क्या बोलते हैं भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आती है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम एज पर टैक्स लॉ, टैक्सेबल इनकम मतलब क्या, इनकम एज पर टैक्स लॉ। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी असेट और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू, किसी भी असेट और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम किसी भी असेट और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेते हैं तो उसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। फिर टैक्स बेस मतलब क्या होता है, टैक्स बेस मतलब वैल्यू ऑफ असेट लाइबिलिटी एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड, एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड, एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स बेस वैल्यू ऑफ असेट लाइबिलिटी एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड। उसके बाद टेम्पररी डिफरेंसेस, टेम्पररी डिफरेंस, टेम्पररी डिफरेंस कहां से आएगा, जब आप कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करोगे, जब आप कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस आएगा, उसको टेम्पररी डिफरेंस बोलेंगे। टेम्पररी डिफरेंस दो टाइप का होगा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, ठीक है, आई बात समझ की नहीं। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस क्या लिखा हुआ है, टैक्स एक्सपेंस क्या लिखा है, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट टैक्स, देखो करंट टैक्स तुम बनाते हो तो करंट टैक्स तुम्हारा एक्सपेंस है, उसमें तुम ऐड करते हो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड। जब तुम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो वो भी तुम्हारा एक तरीके से एक्सपेंस होता है, इसीलिए प्लस करते हैं। और डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट जब तुम करते हो तो एक तरीके से तुम इनकम रिकॉर्ड करते हो, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करते हो तो एंट्री क्या करते हो, जनरली पीएनएल से करते हो, तो एंट्री करते हो डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो इनकम होती है, इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला वाला आइटम और दूसरा वाला आइटम, पहला वाला आइटम और दूसरा वाला आइटम कहीं ना कहीं एक्सपेंस वाली चीज है, कहीं ना कहीं कौन सी वाली चीज है, एक्सपेंस वाली चीज है, ठीक है ना, एक्सपेंस वाली चीज है। फिर उसके बाद जब तुम डेफर टैक्स लाइबिलिटी को, सॉरी डेफर टैक्स, हाँ डेफर टैक्स लाइबिलिटी को रिवर्स करोगे, डेफर टैक्स लाइबिलिटी को रिवर्स करोगे, लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा पीएनएल, अगर हम पीएनएल में रिवर्स कर रहे हैं तो, जनरली पीएनएल में रिवर्स होता है, तो उसको भी फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स्ड, तो डीटीएल रिवर्स्ड, डीटीएल रिवर्स्ड माइनस होता है, डीटीएल रिवर्स्ड माइनस होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से इनकम नहीं चला रहा है। और जब तुम डीटीए को रिवर्स करते हो, जब तुम डीटीए को रिवर्स करते हो, डीटीए को रिवर्स करते हो तो असेट रिवर्स होगी तो असेट क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल डेबिट होगा, अगर पीएनएल से रिवर्स होगा तो पीएनएल डेबिट होगा, ठीक है ना, तो पीएनएल डेबिट होगा तो कहीं ना कहीं फिर से एक्सपेंस, तो इसीलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल हम क्या निकाल रहे हैं, ओवरऑल हम टैक्स का एक्सपेंस निकाल रहे हैं। तो एक्सपेंस में करंट टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड, डेफर्ड माइनस डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएटेड, प्लस डेफर्ड टैक्स असेट रिवर्स्ड और माइनस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे बताओ, इसको समझ में आ गया तुम्हें,
बोलो समझ में आया तुम्हें कि नहीं? यस क्लियर। आगे करंट टैक्स इज इक्वल टू टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। हाँ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम बिल्कुल। अब टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें होती है, एक करंट टैक्स और डेफर टैक्स। तो करंट टैक्स किस पे निकलता है? करंट टैक्स टैक्सेबल इनकम पे निकलता है। और डेफर टैक्स किस पे निकलता है? डेफर टैक्स टेम्पररी डिफरेंस पे निकलता है, ठीक है ना। अच्छा डिफरेंस को टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं? डिफरेंस को टेम्पररी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के फ्यूचर पीरियड में वो डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा। यही रीजन है कि जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आज हम क्रिएट कर रहे हैं वो फ्यूचर में कभी ना कभी रिवर्स होने वाली है। डेफर टैक्स असेट जो आज हम क्रिएट कर रहे हैं वो फ्यूचर में कभी ना कभी रिवर्स होने वाली है, याद रखिएगा। ऐसा कोई भी डीटीए डिटेल नहीं बनेगा जो फ्यूचर में रिवर्स ही नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी डीटीए डिटेल नहीं बनेगा जो फ्यूचर में रिवर्स हो ही नहीं सकता। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहली बात तो डेफर टैक्स असेट हो चाहे लाइबिलिटी हो किसके ऊपर बनेगा? टेम्पररी डिफरेंस के ऊपर बनेगा। टेम्पररी डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी डिफरेंस मतलब वो डिफरेंस जो फ्यूचर में जाके रिवर्स हो जाए। मतलब अगर आज मेरी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम है तो फ्यूचर में जाके उल्टा हो सकता है। फ्यूचर में मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो वो डिफरेंस रिवर्स हो जाता है। तो डिफरेंस रिवर्स हो रहा है इसीलिए आज हम डेफर टैक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। डेफर टैक्सेस आज हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं? अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। आज हम डेफर टैक्सेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। जहां मुझे टैक्स ज्यादा पे करना चाहिए था करंट टैक्स के फॉर्म में मैंने पे नहीं किया, पर मैं जानता हूं कि मुझे पे करना चाहिए था, फ्यूचर में करना पड़ेगा, पर वो अक्रू हो चुका है क्योंकि मुझे पे करना चाहिए था, इसलिए आज मैं डीटीएल बनाऊंगा। अब फ्यूचर में जाके जब मैं पे एक्चुअली मैं कर दूंगा तो डीटीएल जो मैंने बनाया था उसको मुझे रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो डेफर टैक्सेस वही बनेंगे जो आगे चल के रिवर्स होंगे, ठीक है। लास्ट डेफर टैक्स टैक्स ऑन टेम्पररी डिफरेंस। टैक्स ऑन टेम्पररी डिफरेंस, ठीक है। टैक्स ऑन टेम्पररी डिफरेंस। अच्छा टेम्पररी डिफरेंस दो प्रकार के, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस मतलब जिससे डीटीएल क्रिएट हो, और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस मतलब जिससे डीटीए क्रिएट हो, ठीक है। चलो ये पहला वाला पॉइंट सबको क्लियर है, डेफिनेशन वाला। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट करंट टैक्सेस। करंट टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं? करंट टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट टैक्स असेट। करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट टैक्स असेट। करंट टैक्स लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? करंट टैक्स लाइबिलिटी में एक तो करंट ईयर की जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, करंट ईयर का जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, अंडरस्टूड और नॉट? करंट ईयर का जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगा, करंट टैक्स लाइबिलिटी में जो भी करंट ईयर का टैक्स लाइबिलिटी होगा, करंट ईयर का टैक्स लाइबिलिटी, अंडरस्टूड और नॉट? दूसरा प्रीवियस पीरियड्स, पिछले एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पिछले सालों की कोई टैक्स लाइबिलिटी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले हमने सालों में रिकॉर्ड नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो साल पहले का इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आया और उसमें था कि मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने उस एडिशनल टैक्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक तो ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं बनाई, अभी तक तो मैंने ऐसी कोई लाइबिलिटी बनाई नहीं है। अभी मैं उसको लाइबिलिटी अपनी बुक्स में बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाँ ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे टैक्स का डिमांड आया और उसके बेसिस पे मैं आज एक एंट्री कर रहा हूं, अभी तक मैंने पे तो नहीं किया पर मैं आज एक एंट्री कर रहा हूं कि यस मुझे टैक्स पे करना है एंड दैट बिलोंग्स टू प्रीवियस टू ईयर्स। वो भी मेरी आज अगर मैं आज उसको प्रोवाइड फॉर कर रहा हूं तो वो भी मेरी क्या होगी? करंट टैक्स लाइबिलिटी होगी। तो करंट टैक्स लाइबिलिटी में करंट टैक्स, करंट ईयर का टैक्स और प्रीवियस पीरियड का टैक्स आएगा। करंट ईयर का टैक्स और प्रीवियस पीरियड का टैक्स आएगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर, समझ में आ गया। करंट टैक्स असेट्स में क्या आते हैं? करंट टैक्स असेट्स में मतलब जो आपने टैक्सेस को एडवांस में पे कर दिया है, जो टैक्सेस को एडवांस में पे कर दिया, जैसे कि टीडीएस, जैसे कि एडवांस टैक्स, जैसे कि टीडीएस और एडवांस टैक्स। अब इसमें तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? लॉसेस ऑफ करंट ईयर अलाउड टू बी कैरी बैकवर्ड टू गेट रिफंड। ये क्या फंडा है? चलिए डिस्कस करते हैं। अगर
कोई ऐसा टैक्स जुरिस्डिक्शन है, हमारे इंडिया में नहीं होता हालांकि, हमारे अगर कोई ऐसा टैक्स का प्रोविजन है, टैक्स का, या तो ऐसा जुरिस्डिक्शन है जहां पर आपको करंट ईयर के लॉसेस पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स से सेट ऑफ करने को अलाउ किया जाए, आपको यह कहा जाए कि करंट ईयर के लॉसेस को आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट में जाके ले जाइए, बैकवर्ड करिए, है ना। इंडिया में हमारा क्या चलता है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, करंट ईयर के लॉसेस को आप नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर दो, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो, और नेक्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट्स होंगे तो उनसे सेट ऑफ कर देना। बट उल्टा, अगर करंट ईयर के लॉसेस आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने को दिए जा रहे हैं तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स थे, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स थे तो आपने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस पे कर दिए होंगे, करंट ईयर के लॉसेस हैं, करंट ईयर के लॉसेस हैं तो करंट ईयर के लॉसेस को आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से अगर सेट ऑफ कर दोगे तो प्रीवियस ईयर के जिन प्रॉफिट्स पे आप टैक्स पे कर चुके हो, टैक्स पे कर चुके हो, वो टैक्स अब आपको रिफंड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर आपके पास 10 लाख के प्रॉफिट थे, आपने उसके ऊपर 30% का टैक्स पे किया, 3 लाख रुपीज का, 3 लाख रुपीज का, अंडरस्टूड और नॉट, आई मेरी बात समझ में कि नहीं। अब ये तो हो गया यहां पर, अभी 3 लाख रुपीज का आपने टैक्स पे किया लास्ट ईयर में, क्योंकि लास्ट ईयर में आपका प्रॉफिट था 10 लाख रुपीज, और 10 लाख के ऊपर 30% के टैक्स रेट से मान लो आपने 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दिया। करंट ईयर में आपको लॉसेस हो गए, करंट ईयर में आपके लॉसेस हो गए 6 लाख रुपीज के, एंड सपोज यू आर अलाउड टू कैरी बैकवर्ड दिस 6 लाख रुपीज ऑफ लॉस एंड सेट ऑफ विथ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आप पीछे इस लॉस को पीछे ले जा सकते हो और सेट ऑफ कर सकते हो। अब 6 लाख रुपए के लॉस को प्रीवियस ईयर के 10 लाख से प्रॉफिट से सेट ऑफ करोगे तो आपका बाकी का कितना प्रॉफिट बच गया, 4 लाख का, और अगर आपका प्रॉफिट 4 लाख का बच गया तो टैक्स भी कितने पे आता है, 4 लाख पे टैक्स बनता है, टैक्स भी कितने पे बनता है, 4 लाख रुपीज पे टैक्स बनता है, और अगर 4 लाख पे टैक्स बनता है 30% का तो 120,000 हुआ, जबकि मैंने टैक्स कितना पे कर दिया, 3 लाख रुपीज का। अब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर मैंने टैक्स पे किया 3 लाख रुपीज का, जबकि आफ्टर सेट ऑफ ऑफ करंट ईयर लॉस टैक्स मेरा बनता है 1,20,000 का, तो मैंने कितना टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, कितना टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, 1,80,000, दैट मे बी रिफंडेबल। तो ये वही है, और अगर ऐसा हुआ तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, करंट टैक्स असेट, क्या बोलूंगा मैं उसको, करंट टैक्स असेट। क्लियर, तो करंट टैक्सेस, तो करंट टैक्सेस में दो होता है, दो चीजें होती है, करंट टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स असेट। टीडीएस की एंट्री क्या होती है, टीडीएस की एंट्री होती है टीडीएस अकाउंट डेबिट, टीडीएस को डेबिट करते हैं क्योंकि हमें हमारा टीडीएस जो होता है वो कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर सप्लायर, कोई पार्टी हमारा डिडक्ट करती है, ठीक है ना, अंडरस्टूड और नॉट, डेटर हमारा डिडक्ट करता है और एडवांस टैक्स हमें पे करना पड़ता है। क्लियर। तीसरा, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स, अब आते हैं डेफर्ड टैक्स, यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कशन, यहां तक सबको क्लियर है लाइव, टेल मी यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, टेल मी यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं। नाउ डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी किस पे बनेगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी किस पे बनेगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी किस पे बनेगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर। हमें हर प्रकार के टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे ऑलवेज हमें डीटीएल क्रिएट करना है, हमें हर प्रकार के टैक्सेबल डिफरेंस पे डीटीएल क्रिएट करना है, सिर्फ दो डिफरेंसेस को छोड़कर, सिर्फ दो डिफरेंसेस को छोड़कर। पहला, पहला गुडविल अराइजिंग बिकॉज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल के इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर डीटीएल क्रिएट नहीं होगा, गुडविल के इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर डीटीएल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अच्छा आइए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री करते हैं तो हम एंट्री करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेक ओवर करना पड़ता है, हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में टेक ओवर की एंट्री क्या करते हैं, बिजनेस टेक ओवर की एंट्री क्या करते हैं, बिजनेस टेक ओवर, बिजनेस टेक ओवर की एंट्री क्या करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू पे करते हो आप, लायबिलिटी ये भी आप फेयर वैल्यू पे करते हो, ठीक है ना, और टू परचेज कंसिडरेशन, जो भी आप पे करते हो परचेज कंसिडरेशन, डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है इसमें गुडविल,
आप गुडविल के ऊपर, जैसे यहां पर आपका गुडविल आया, जैसे ही आपका यहां पर गुडविल आया बैलेंसिंग फिगर, तो ये जो गुडविल होता है, ये गुडविल जो होता है ये उसका कैरिंग अमाउंट होता है, ये उसका कैरिंग अमाउंट होता है गुडविल का, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हो, आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हो। बट गुडविल का जो टैक्स बेस होता है, टैक्स बेस वो होता है जीरो। जीरो क्यों होता है? हम ये मान के चल रहे हैं कि गुडविल का इनकम टैक्स में, इस गुडविल का इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स इंपैक्ट नहीं है। टैक्स इंपैक्ट नहीं है मतलब गुडविल का आपको इनकम टैक्स में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं, इसका इंपैक्ट है गुडविल का इंपैक्ट कुछ भी नहीं है, तो टैक्स बेस क्या बन जाता है? जीरो। जब टैक्स बेस जीरो बन जाता है और कैरिंग अमाउंट आपका होता है ये वाला जो भी बैलेंसिंग फिगर आया, तो टेक्निकली डिफरेंस तो आ रहा है, कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस है, ठीक है ना, और डिफरेंस के कारण हमें डीटीएल बनाना पड़ता है। अब जब हम डीटीएल बनाएंगे तो एक इसी एंट्री में हमें वो डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा। सर इस एंट्री में ही क्यों क्रिएट करना पड़ेगा? इस एंट्री में हमें इसलिए क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये डीटीएल किस पे बन रहा है? गुडविल पे। गुडविल कहां से आया? बिजनेस कॉम्बिनेशन में। और बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो इंड एस 103 है वो कहता है कि जो भी आप डेफर्ड टैक्सेस बना रहे हो बिकॉज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन वो आप इसी एंट्री में बनाते हो, अलग से नहीं। तो जैसे ही आप यहां पर डीटीएल बनाना शुरू करोगे, आपका इसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा मतलब गुडविल, इससे आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। मतलब मैं इस एंट्री को वापस से करूं, एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू पीसी टू डीटीएल, और डिफरेंस आपका इससे गुडविल का बढ़ जाता है। तो डीटीएल बनाने से गुडविल बढ़ जाएगी, और वो गुडविल कभी रिवर्स तो होने वाली है नहीं। ये जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस कभी रिवर्स तो होगा नहीं, तो जब रिवर्स नहीं होगा तो वो गुडविल बस बढ़ती हुई रहेगी, तो वो डीटीएल भी कभी रिवर्स हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम डीटीएल नहीं बनाएंगे गुडविल के रिकॉग्निशन पर, डीटीएल नहीं बनाएंगे गुडविल के रिकॉग्निशन पर। वापस आते हैं, आइए देखिए क्या लिखा है। व्हेन टू क्रिएट ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस एक्सेप्ट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से जो गुडविल अराइज हो रही है उस गुडविल के ऊपर टैक्स बेस जीरो है और कैरिंग अमाउंट उसका जो डिफरेंस आया, जो भी वैल्यू आया, अब डिफरेंस तो आएगा, कैरिंग अमाउंट जो वैल्यू आया और टैक्स बेस जीरो है, पर इस गुडविल के ऊपर हम डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गुडविल कभी रिवर्स नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? दूसरा, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ असेट लायबिलिटी अदर देन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन विच नीदर अफेक्ट्स अकाउंटिंग इनकम नॉर टैक्सेबल इनकम, इन शॉर्ट परमानेंट डिफरेंस। डीटीएल सारे प्रकार के डिफरेंसेस पे बनेगा, पहला गुडविल को छोड़कर और दूसरा परमानेंट डिफरेंस को छोड़कर। परमानेंट डिफरेंस मतलब क्या? ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन, इस बार मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं तो मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुडविल की बात कर रहा था तो मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा हो रहा है और उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तुम्हारे फ्यूचर के अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम पर नहीं है, फ्यूचर के अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम पर नहीं है। इसका एग्जांपल क्या डिस्कस किया था हमने क्लासेस में, वो मैं बता देता हूं। इसका एग्जांपल क्या डिस्कस किया था? एक इंपोर्टेड व्हीकल हमने परचेज किया, एक इंपोर्टेड व्हीकल परचेज किया, उसका इनकम टैक्स में हमें कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स में हमें उसका कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स में अगर हमने वो उस इंपोर्टेड व्हीकल को आगे चल के सेल किया तो सेल करने पर उसके ऊपर जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, उसका जो भी सेल प्रोसीड्स आएगा, उसका भी इनकम टैक्स में कोई इंपैक्ट नहीं है फ्यूचर में। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? एक इंपोर्टेड व्हीकल परचेज किया, उसके ऊपर मुझे फ्यूचर में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ना मुझे उसके ऊपर सेल करने से मुझे कोई इनकम टैक्स में टैक्स लगेगा ना कैपिटल गेन लगेगा। तो ऐसे व्हीकल को मैं इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के अंदर असेट बता ही नहीं सकता, ना लायबिलिटी बता सकता हूं, क्योंकि उस पर ना कोई टैक्स आने वाला है, ना कोई टैक्स लगने वाला है, ना कोई टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, ना कोई डिडक्शन मिलने वाला है, ना कोई टैक्स लगने वाला है, ना डिडक्शन मिलने वाला है इसलिए असेट नहीं दिखा सकता, ना टैक्स लगने वाला है इसलिए लायबिलिटी नहीं दिखा सकता। तो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में ऐसे व्हीकल का कोई सेंस ही नहीं है दिखाने का, कोई मतलब ही नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरी चीज है डोनेशन टू रिलीजियस ट्रस्ट।
डोनेशन टू रिलीजियस ट्रस्ट, इनकम टैक्स में डोनेशन टू रिलीजियस ट्रस्ट का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो इनकम टैक्स के अंदर डोनेशन मेरा पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, और अगर मैं असेट में भी दिखाऊंगा तो उसका कोई यूज नहीं है, उसका मुझे कोई इंपैक्ट नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के डोनेशन का इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं होना जाना। शायद मैं अगर इनकम टैक्स में डोनेशन को दिखाऊं तो मैं एज अ रिजर्व एंड सरप्लस से इनकम टैक्स की बुक्स में, इनकम टैक्स की रिकॉर्ड में, मैं बार बार इनकम टैक्स बोल रहा हूं, इनकम टैक्स की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग में अगर डोनेशन को दिखाऊं तो मैं शायद उसको रिजर्व एंड सरप्लस से राइट ऑफ करके दिखा दूं, ड्रॉइंग करके दिखा दूं, ना मेरी वो असेट दिखनी चाहिए, ना वो मेरे पीएनएल में, इनकम टैक्स के पीएनएल में भी नहीं दिखनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ऐसा डिफरेंस हो गया, ऐसा परमानेंट डिफरेंस हो गया जिसके ऊपर डिटेल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंस आगे चल के रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीजों पे डिटेल नहीं बनेगा। तो फिर डिटेल किस पे बनेगा, एरियाज विच वी वेयर वी क्रिएट डिटेल, कौन कौन से एरियाज पर डिटेल बनता है। पहला टाइमिंग डिफरेंसेस, जितने भी टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जनरली डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, नॉर्मल आपके जो भी अलाउंस, आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं जो अगले साल जाके रिवर्स हो जाते हैं, पीएनएल के थ्रू बन सकते हैं मोस्टली। बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिकॉर्ड किए जाने वाले असेट लाइबिलिटीज, क्योंकि आप उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिकॉर्ड किए जाने वाले असेट्स लाइबिलिटीज, असेट्स लाइबिलिटीज, क्योंकि आप उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, तो जो असेट लाइबिलिटी को आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो उनका कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू बन गया। जबकि टैक्स बेस कुछ और होगा, और अगर टैक्स बेस कुछ और होगा तो ऐसे केस में डिफरेंसेस आएंगे, और वो डिफरेंसेस डेफिनेटली टेम्पररी होंगे, क्योंकि वो डिफरेंसेस आगे चल के रिवर्स होंगे। आगे चल के रिवर्स कैसे होंगे, रिवर्स ऐसे होंगे कि आप असेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। लेट अस से बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने असेट को फेयर वैल्यू पे दिखाया, लेट अस से एग्जांपल 6 लाख, और उसी असेट का टैक्स बेस था 5 लाख। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये 6 लाख रुपीज क्या बन जाएगा, ये 6 लाख रुपीज बन जाएगा कैरिंग अमाउंट, ये 6 लाख रुपीज बन जाएगा कैरिंग अमाउंट, और टैक्स बेस 5 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का क्या आ गया, टेम्पररी डिफरेंस। ये जो 1 लाख रुपीज का टेम्पररी डिफरेंस आ गया, इसके ऊपर हम डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। क्यों क्रिएट करेंगे, हम ये बता रहे हैं कि हमें 1 लाख रुपए का फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट होगा किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे होगा फ्यूचर में, इधर हम इस असेट को ज्यादा यूज करके 1 लाख रुपीज के एक्सेस इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे सेल के फॉर्म में, जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स के अंदर हमें डेप्रिसिएशन सिर्फ 5 लाख तक का ही मिलेगा, जबकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें 6 लाख के होंगे, तो एक्स्ट्रा 1 लाख के इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। या तो फिर ये असेट फ्यूचर में हम सेल करेंगे तो हमें 6 लाख रुपीज की सेल प्रोसीड मिलेगी, और डिडक्शन हमें इनकम टैक्स में सिर्फ 5 लाख का मिलेगा कैपिटल गेन के अगेंस्ट। आई बात समझ में कि नहीं, तो ऐसे केस में 1 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, जिससे आपका टैक्स ज्यादा लगेगा उस बेनिफिट के ऊपर, ठीक है। तो हम इस वजह से बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिकॉर्ड की गई असेट्स लाइबिलिटीज के ऊपर, बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिकॉर्ड की गई असेट्स लाइबिलिटीज के ऊपर भी हम डीटीआई डीटीएल क्रिएट करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, और याद रखिएगा जब आप इसके ऊपर डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो दैट शुड बी थ्रू गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। ये भी आपका डीटीएल बनेगा गुडविल कैपिटल रिजर्व के थ्रू, क्यों, क्योंकि ये जो डीटीएल आप बनाओगे वो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में बना रहे हो, और बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप उसी टेकओवर वाली एंट्री के अंदर डिटेल बनाओगे, जिससे डिफरेंस आपका गुडविल का बढ़ जाएगा। आप ये बोलोगे कि सर गुडविल का डिफरेंस बढ़ जाए तो गुडविल तो सर अगेन बढ़ जाती है, मतलब सर डीटीएल बनेगा तो गुडविल के थ्रू बनेगा तो सर गुडविल भी तो बढ़ जाएगी। बेटा आगे चल के ये डीटीएल रिवर्स भी तो होगा, जब टैक्स लगेगा तो गुडविल उतने से कम भी हो जाएगी। पहली वाली सिचुएशन पर हम इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि वो गुडविल के रिकॉग्निशन पर हम डीटीएल नहीं बना रहे थे, क्योंकि गुडविल का इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो डीटीएल कभी रिवर्स ही नहीं होगा, तो गुडविल उतना बड़ा हुआ रहेगा। जबकि इस वाली सिचुएशन में हम अदर देन गुडविल बाकी नेट असेट्स के ऊपर डीटीएल बना रहे हैं, क्योंकि उनका कैरिंग अमाउंट कुछ और है उनके टैक्स बेस से, और वो हम बना रहे हैं गुडविल के थ्रू। आगे चल के जब रिवर्स करना होगा तो वो रिवर्स गुडविल के थ्रू ही होगा। समझ गए।
समझ गए, क्लियर। असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अपवर्ड, अपवर्ड, और यहां क्या लिखा है ओसीआई, ओसीआई, असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अपवर्ड ओसीआई, ये क्या लिखा हुआ है, चलिए मुझे बताइए, असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अपवर्ड ओसीआई, ये क्या है लाइव स्टूडेंट्स, चलो मुझे बताओ, टेल मी, बताओ मुझे ये क्या है, टेल मी, जवाब दीजिए मुझे, असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अपवर्ड, इसका मुझे आप जवाब दीजिए क्या होगा, असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अपवर्ड ओसीआई, इसका क्या होगा, ये कौन सा केस है, ये डीटीएल का कौन सा वाला केस है, कौन सा केस है ये डीटीएल वाला, असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, आप जब अपनी असेट को, आप जब अपनी किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो, तो एंट्री करते हो पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, इस कारण से होता क्या है कि आप अपनी पीपीई को अपवर्ड करते हो तो इससे आपकी असेट की पीपीई, पीपीई की कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी और टैक्स बेस कम होगा, क्योंकि आपने जो ये एंट्री किया, ये एंट्री आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया, तो मुझे सुन नहीं रहे हो क्या नलायको, हाँ? तो जब आप अपने पीपीई को रीवैल्यू करते हो तो उसकी कैरिंग अमाउंट बढ़ जाती है, टैक्स बेस पर कोई असर नहीं पड़ता, कैरिंग अमाउंट बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, टैक्स बेस पर असर नहीं पड़ता तो टैक्स बेस छोटा रह जाता है, आई बात समझ में, अब कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी, इससे क्या बनेगा आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो बनेगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो बनेगा, ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू ही बनेगा, ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी किसके थ्रू बनेगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू बनेगा, ठीक है, ये वाला फंडा है, तो ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा। सर क्यों, ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, रीवैल्यूएशन रिजर्व तो सर इनकम टैक्स में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट फ्यूचर में डेफिनेटली, फ्यूचर में डेफिनेटली, अगर मैं आज अपनी पीपीई की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, अगेन वही वाली बात हो गई, आज मैं अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूं पीपीई की, तो मैं फ्री फोकट में नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में मुझे इधर ये पीपीई से इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, या तो मैं इस पीपीई को जब बेचूंगा तो मुझे सेल प्रोसीड्स उतना मिलेगा, और अगर ज्यादा मिलेगा, जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, तो आज अगर मैं अपनी पीपीई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फ्यूचर, एंड दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी टैक्सेबल, जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, तो ये बन गया यहां पर, तो ये हो गया आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी। डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा डेफर टैक्स लाइबिलिटी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस तो बनेगा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस तो बनेगा, सारे के सारे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस तो बनेगा, दो टैक्सेबल, दो चीजों को छोड़कर, गुडविल और दूसरे ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन जिनका फ्यूचर की टैक्सेबिलिटी पर और अकाउंटिंग इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, विच आर परमानेंट डिफरेंसेस। इन शॉर्ट डीटीएल बनेगा नॉर्मल टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर, बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन में जो असेट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पर, और असेट्स को जब आप रीवैल्यू करते हो, अपवर्ड रीवैल्यू करते हो, तब ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी की कहानी हो गई। अब आते हैं डेफर टैक्स असेट, अब आते हैं डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स असेट की कहानी, डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स असेट कब बनेगा, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, डेफर टैक्स असेट कब बनेगा, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, व्हेन द एंटिटी हैज, when the entity has deductible temporary differences and it is probable that there will be sufficient future taxable income against which such temporary differences can be adjusted. इस पॉइंट का मतलब मुझे कोई बताएगा, जो बच्चे मुझे लाइव सुन रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, इस पॉइंट का मतलब मुझे कोई बताएगा, tell me, इस पॉइंट का मतलब मुझे कोई बताएगा प्लीज, entity, when the entity has deductible temporary differences and it is probable that there will be sufficient future taxable income against which such taxable differences can be adjusted. इसका मतलब क्या है?
यस कमल, वेरी गुड. क्या बोला आपने? डीटीए विल बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फ्यूचर. सर मतलब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है जिसके अगेंस्ट डीटीए रिवर्स कर पाएंगे फ्यूचर में. मतलब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है जिसके अगेंस्ट डीटीए रिवर्स कर पाएंगे फ्यूचर में. वेरी गुड. अगले साल प्रॉफिट होगा तभी डीटीए क्रिएट करेंगे. डीटीए, ये डीटीए क्या है? डेफर्ड टैक्स असेट. ये डेफर्ड टैक्स असेट क्या है? डेफर्ड टैक्स असेट मतलब फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट. फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट कब होगा? जब फ्यूचर में मुझे कुछ डिडक्शंस एक्सपेक्टेड है. फ्यूचर में मुझे डिडक्शंस किसके अगेंस्ट मिलने चाहिए? फ्यूचर में डिडक्शंस मिलने चाहिए टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट. तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे कि नहीं उसी की प्रोबेबिलिटी चेक करने को कही गई है. फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो. अगर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली तुम्हें जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस भी उस प्रॉफिटेबिलिटी के अगेंस्ट मिल जाएंगे. और अगर डिडक्शंस मिल जाएंगे तो तुम्हें टैक्स में बेनिफिट होगा. टैक्स में बेनिफिट होगा तो तुम आज डीटीए बना लो. डिडक्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट पता नहीं होगा कि नहीं, तो जो डिडक्शंस तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो डिडक्शंस फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट मिलते हैं, पर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होगा कि नहीं यही नहीं पता. तो पता नहीं कि वो फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, तो आज मैं डीटीए बना के करूंगा ही क्या? समझ गए? आज मैं डीटीए बना के क्या ही करूंगा? क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज मुझे डीटीए कब बनाना है? जब मेरे पास डिडक्टेबल डिफरेंसेस है. मतलब कुछ ऐसे डिडक्शंस है जो फ्यूचर में मुझे अलाउ होंगे. फ्यूचर में अलाउ होंगे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट. और फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर अलाउ होंगे तो फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट की मुझे प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा. ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट, एरियाज ऑफ डीटीए. डीटीए कहां कहां क्रिएट होगा? अच्छा, ऐसा कोई डिफरेंस जहां डीटीए क्रिएट नहीं होता, परमानेंट डिफरेंस, वहां पर भी सेम परमानेंट डिफरेंस. जैसे डीटीएल में गुडविल के ऊपर क्रिएट नहीं होगा और परमानेंट डिफरेंस के ऊपर क्रिएट नहीं होगा, वैसे ही डीटीए के अंदर गुडविल की तो बात ही नहीं आती. ठीक है ना, गुडविल की तो बात ही नहीं आती क्योंकि गुडविल क्रिएट होने से, गुडविल रिकॉर्ड होने से डीटीएल बनता है, डीटीए नहीं बनता. अब बात करते हैं कुछ परमानेंट डिफरेंसेस की. ऐसे परमानेंट डिफरेंसेस जिनके ऊपर डीटीए नहीं बन सकता, ऐसे डिडक्शंस जिनके ऊपर डीटीए नहीं बनता किसी भी तरीके से, है ना, ऐसे डिडक्शंस जिनके ऊपर डीटीए नहीं बनता, जो परमानेंट डिडक्शंस होते हैं, वही डोनेशन वाला डिडक्शन परमानेंट जिसके ऊपर डीटीए नहीं बनेगा. कहां कहां डीटीए बनेगा? टाइमिंग डिफरेंसेस पीएनएल के थ्रू, बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिकॉर्ड की जाने वाली असेट लाइबिलिटीज. पर सर वो तो लाइबिलिटी वाला था, डेफर्ड टैक्स डीटीएल वाला था, डीटीए भी आएगा उस पे. डीटीए कब आएगा? डीटीए तब आएगा जब ये सिचुएशन उल्टा हो जाए. ये सिचुएशन 6 लाख के बदले यहां पर आ जाए 4 लाख. अब आपका फेयर वैल्यू 4 लाख है, टैक्स बेस 5 लाख है, 4 लाख फेयर वैल्यू है, मतलब कैरिंग अमाउंट 4 लाख है. आपका कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज्यादा है, यहां पर डीटीए बन रहा है. और ये डीटीए किसके थ्रू बनेगा? ये डीटीए बनेगा गुडविल कैपिटल रिजर्व के थ्रू. तीसरा, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड. रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड वही इन डे 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. आप अपनी पीपीई को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो, मतलब कैरिंग अमाउंट कम कर रहे हो. मतलब आपको पता है कि आपको आपकी पीपीई से बेनिफिट्स कम मिलने वाले हैं, तो आप इसलिए उसको रिड्यूस कर रहे हो. टैक्स बेस उसका रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा उस पर डीटीए बनेगा. ठीक है, और चौथा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स एंड टैक्स लॉसेस. अनयूज्ड टैक्स एंड टैक्स लॉसेस ये क्या होते हैं? अनयूज्ड टैक्स लॉसेस मतलब कि आपके पास कुछ बिजनेस लॉसेस है जो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होके आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे. आपके पास कुछ टैक्स लॉसेस है, अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस है, बिजनेस लॉसेस है जिनको आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करने से मैं फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ करूंगा.
बशर्ते मेरे पास फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर मेरे पास फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो गया तो ये जो लॉसेस होंगे ये लॉसेस सेट ऑफ होंगे, जिससे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कम लगेगा। तो मेरे को फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ करंट ईयर लॉसेस, बिकॉज ऑफ बिजनेस लॉसेस, तो उस पे भी डीटीए बनेगा। पर अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स लॉसेस के ऊपर डीटीए बनाने के लिए चार शर्तें हैं, आपको याद आ रहा होगा मैंने कंडीशंस बताई थी। यहां पर ऐसे ही नहीं कि बस आप डीटीए बना लो, आपके पास बिजनेस लॉसेस है, आप बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे और कहोगे कि मेरा प्रॉफिट में मुझे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये सब समझ में आ रहा है, पर ये सब सिर्फ बोलने में लग रहा है कि हाँ ऐसा सब हो जाएगा, ये लग रहा है कि मुझे हाँ बढ़िया है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा। अरे टैक्सेबल प्रॉफिट होगा कैसे यार, जब तुम अभी करंट ईयर में लॉसेस में रखे हुए हो, लॉसेस में हो, या मे बी तुम्हारा कोई पास्ट 4-5 साल का लॉसेस चल रहा हो, 4-5 साल से मान लो तुम्हारा कुछ लॉसेस चल रहा हो, सो इन दैट केस आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। इन दैट केस आपको फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट, ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। तो इन दैट केस इंड एस 12 कहता है कि आपको वर्चुअली सर्टेन होना पड़ेगा, आपको वर्चुअली सर्टेन होना पड़ेगा कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि करंट ईयर में तुम लॉसेस में थे, तुम्हारे प्रीवियस ईयर के भी कुछ लॉसेस हैं, ऐसे केस में तुम्हें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसके लिए तुम्हें वर्चुअली एक सर्टेनिटी चाहिए रहेगी, तुम्हारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पर तुम ये कन्विंस कर सको कि फ्यूचर में तुम्हें टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे। देखो क्या लिखा है, चेक वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंसेस, शॉर्ट में लिखा है वीसीसीई, वर्चुअल सर्टेनिटी कन्विंसिंग एविडेंस वीसीसीई। आपको ये देखना है कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट अर्न करने की कोई सर्टेनिटी है वर्चुअल, जिसके अगेंस्ट तुम कोई कन्विंसिंग एविडेंस दे सको। कन्विंसिंग एविडेंस फॉर एग्जाम्पल कि यू गॉट द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑलरेडी, तुम्हें तुम्हारे कस्टमर से कुछ नेक्स्ट आने वाले इयर्स के लिए ऑर्डर्स मिल चुके हैं और वो बहुत ही हैवी बल्की ऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से तुम प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है, ऐसा तुम्हें कुछ चेक करना है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए तुम्हें ये चार बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, ये चार बातों पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी चार बातें? पहला, सफिशिएंट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर टू सेट ऑफ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। अगर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट प्रोबेबल नहीं भी है तो ये चेक कर लो कि तुम्हारे पास कुछ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस रखे हैं क्या, टैक्सेबल जिसके ऊपर डीटीएल बनता है, उससे क्या होगा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस जब रिवर्स होंगे तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट होगी। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस का मतलब ही क्या होता है, जिसके ऊपर तुम डीटीएल बनाते हो, मतलब ही क्या होता है कि फ्यूचर में जाके टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा जब ये डिफरेंस रिवर्स होगा, तो इसका मतलब जब ये डिफरेंस रिवर्स होगा तो कहीं ना कहीं टैक्सेबल प्रॉफिट बनेगा। तो ये चेक कर लो कि अगर तुम्हारे बिजनेस में अलग से टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा तो तुम ये चेक कर लो कि तुम्हारे पास टैक्सेबल डिफरेंसेस रखे हैं क्या, जो कि सेम ईयर में रिवर्स होंगे जिस ईयर में तुम्हारे डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस रिवर्स हो रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो तुम टू दैट एक्सटेंट डीटीए बना सकते हो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर या फिर इन लॉसेस के ऊपर, ये जो हमने अनयूज्ड टैक्स लॉसेस की बात कर रहे हैं। सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन सर्टेनिटी, ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली रहेगा बेस्ड ऑन कन्विंसिंग एविडेंस जो भी मैंने बात की थी ऊपर। तीसरा, अनयूज्ड लॉसेस आर ड्यू टू आइडेंटिफाइबल कॉजेस विच आर अनलाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर। एंटिटी इज एबल टू आइडेंटिफाई कि हमें लॉसेस क्यों हुए और वो लॉसेस जिन भी कारणों से हुए हैं वो रीजंस अब फर्दर फ्यूचर के ईयर्स में अराइज हो ही नहीं सकते। रीजंस क्या थे लॉसेस के और उन लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड तो कर लेंगे बट फ्यूचर में अब ये लॉसेस अगेन नहीं होंगे। अगर ऐसा कुछ है कि नाउ एंटिटीज श्योर कि फ्यूचर में ऐसे कोई लॉसेस वापस से रिपीट नहीं होंगे, रीजंस कुछ और ऐसे रीजंस वापस से नहीं आएंगे तो चल सकता है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ था कोविड,
ठीक है, और चौथा एंटिटी हैज सफिशिएंट टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज टू सेट ऑफ द टैक्स टेंपरेरी डिफरेंसेस, या फिर आपके पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कोई कोई इनकम टैक्स अपॉर्चुनिटी है, टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है जिससे आप फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, और फ्यूचर में अगर आप टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे तो उसके अगेंस्ट आप डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंसेस को सेट ऑफ कर पाओगे। तो ये किसके अंडर था, ये था अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस पे डीटीए बनाते हैं अगर आपके पास फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, अगर आपके पास सफिशिएंट टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंसेस है जो कि सेम ईयर में रिवर्स होंगे जिस ईयर में आप लॉसेस को सेट ऑफ करने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपके पास जो लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस किसी आइडेंटिफाइबल कॉजेस के कारण हुए और वो कॉजेस अब फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे, और या फिर आप कोई फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट अराइज कर सकते हो बिकॉज ऑफ एनी टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी, यू हैव टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप डीटीए बना सकते हो, अदरवाइज आप डीटीए नहीं बनाओगे। इन शॉर्ट, अगर आपका कुछ ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड लॉसेस का है तो आप जनरली डीटीए नहीं बनाओगे, बशर्ते ये कंडीशंस ना आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया डेफर्ड टैक्स असेट। फिफ्थ नंबर पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स एंड ऑफसेटिंग प्रोविजंस। करंट टैक्सेस और डेफर्ड टैक्सेस किस रेट से मेजर होंगे, दोनों को अलग 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 देख लेते हैं। पहले तो करंट टैक्स, करंट टैक्स को मेजर करने के लिए रेट कौन सा चाहिए, अप्लीकेबल टैक्स रेट चाहिए। अप्लीकेबल टैक्स रेट मतलब करंट टैक्स किस ईयर का होता है, सर करंट टैक्स करंट ईयर का हो सकता है, तो करंट टैक्स अगर करंट ईयर का हो सकता है तो रेट भी कौन सा, करंट ईयर का। सर करंट टैक्स में भी हो सकता है प्रीवियस पीरियड का हो, क्योंकि करंट टैक्स लाइबिलिटी में प्रीवियस प्रायर पीरियड ऑफ लाइबिलिटी भी आ सकती है, तो करंट टैक्स अगर प्रीवियस पीरियड का है तो प्रीवियस पीरियड का रेट चाहिए। तो हाउ टू मेजर द करंट टैक्स, करंट टैक्स को मेजर करने के लिए, करंट टैक्स को मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, करंट टैक्स को मेजर करने के लिए मुझे चाहिए करंट ईयर का टैक्स रेट या अप्लीकेबल टैक्स, ठीक है, आई बात समझने के लिए। डेफर्ड टैक्स को कैसे मेजर करना है, अब डेफर्ड टैक्स तो ये हुआ ना कि वो फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर फ्यूचर में मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा या तो फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डेफर्ड टैक्स तो फ्यूचर का रेट हुआ, फ्यूचर का टैक्स हुआ, तो फ्यूचर का टैक्स हुआ तो मुझे फ्यूचर का रेट चाहिए। फ्यूचर का रेट कहां से लाऊं, आपको ये देखना है कि टिल ईयर एंडिंग, टिल बैलेंस शीट डेट कोई रेट, फ्यूचर का कोई रेट ऑलरेडी इनेक्टेड हो चुका है या फिर सब्सटेंटिवली इनेक्टेड हो चुका है क्या। सब्सटेंटिवली इनेक्टेड का मतलब क्या होता है, सब्सटेंटिवली इनेक्टेड का मतलब होता है कि लेट अस से टैक्स, नया प्रपोज टैक्स रेट फाइनेंस बिल में प्रपोज किया गया, फाइनेंस बिल फरवरी में आया, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल जब फरवरी में आया तो उसको लोअर हाउस में, लोकसभा में उसको अप्रूवल मिल गया, और फिर उसको अपर हाउस में अप्रूवल मिल गया, राज्यसभा में मिल गया। वंस वी कैन से कि उसको राज्यसभा में अप्रूवल मिल गया तो अब तो बस प्रेसिडेंट का कंसेंट है और वो फिर आगे फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर सारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो पास हो चुका है तो वी कैन से कि दिस इज सब्सटेंटिवली इनेक्टेड, अंडरस्टूड ऑर नॉट। तो लेट अस से कि हमारे यहां पर बजट आता है फरवरी में और फरवरी में नया टैक्स रेट प्रपोज किया गया और वो नया टैक्स रेट प्रपोज किया गया नेक्स्ट ईयर से लेकर, पर उसी दिन से उस टैक्स रेट पर अपोजिशन ने और बहुत ज्यादा अपोज किया गया कि ये टैक्स रेट वापस लिया जाए, ये टैक्स रेट नहीं लगाया जाए, अपोज किया गया, उसको पास होने नहीं दिया गया, तो मैं क्या बोलूंगा क्या कि ये सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है, क्या कहेंगे क्या कि यार ये लगभग ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं, जबकि ऐसा कोई अपोज किसी ने किया नहीं और सबने कहा कि हाँ मतलब बेसिकली वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एन इशू, वो एक तरीके से सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है। तो आपको ये देखना है कि फ्यूचर का जो रेट आपको वो दे रहा है वो ऑलरेडी इनेक्टेड है, सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है कि नहीं। अगर वो फ्यूचर का टैक्स रेट आज ऑलरेडी इनेक्टेड है, सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है, तो डीटी रिटेल के लिए आप वो नया वाला रेट लोगे, अदरवाइज आप करंट ईयर का ही टैक्स रेट लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, हाउ टू मेजर एट अ टैक्स रेट विच इज इनेक्टेड और सब्सटेंटिवली इनेक्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पर आपको करना है ऑफसेट, ऑफसेट ऑफ कैरिंग ऑफ
करंट असेट, करंट टैक्स असेट एंड करंट टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या आप करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करके दिखा सकते हो? क्या आप डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करके दिखा सकते हो? अलाउड, ऑफसेटिंग रूल्स अलाउड है। ऑफसेटिंग में क्या लिखा है कि यस हम दोनों को सेट ऑफ करके दिखा सकते हैं, करंट टैक्स असेट को करंट टैक्स लायबिलिटी के साथ या फिर डेफर्ड टैक्स असेट को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के साथ। कब? लीगल इनफोर्सिबल राइट टू सेट ऑफ, लीगल इनफोर्सिबल राइट टू सेट ऑफ, लीगल इनफोर्सिबल राइट टू सेट ऑफ, जब आपके पास अधिकार हो, लीगल अधिकार हो। लीगल अधिकार हो मतलब कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में वो दोनों चीजों को सेट ऑफ करने का अधिकार है कि नहीं। मैंने पहले भी बताया है कि असेसमेंट ईयर 22-23 की करंट टैक्स लायबिलिटी दिखा रहा हूं 2 लाख रुपए, और सेम असेसमेंट ईयर का मेरे पास ऑलरेडी टीडीएस दिख रहा है, एडवांस टैक्स दिख रहा है। ऑब्वियसली मुझे इनकम टैक्स में अलाउड है कि मैं दोनों का सेट ऑफ लूंगा, तो मेरे पास लीगल एनफोर्सेबल लॉ राइट है, टैक्स लॉ मुझे अलाउ करता है कि मैं सेट ऑफ करूं। और दूसरा इंटेंशन टू सेटल ऑन अ नेट बेसिस, और आप इन दोनों को नेट बेसिस पे सेट ऑफ करने का इंटेंशन है कि नहीं सचमुच में, ये तो दोनों चीजें होनी चाहिए तब आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ऑफसेट करके दिखा सकते हो बैलेंस शीट पे। ठीक है, क्लियर? ये फिफ्थ नंबर पॉइंट सबको क्लियर हुआ? फिफ्थ नंबर पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अब आइए सिक्स्थ नंबर पॉइंट पे। सिक्स्थ नंबर पॉइंट, स्पेशल केसेस। टेल मी, एक बार कमेंट करके बताइए सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पेशल केसेस पर आते हैं। कौन कौन से स्पेशल केसेस थे, एक एक करके बढ़ते हैं। कौन कौन से स्पेशल केसेस थे, एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले टैक्स हॉलिडे पीरियड, टैक्स हॉलिडे पीरियड। अगर एंटिटी टैक्स हॉलिडे पीरियड में है, टैक्स हॉलिडे पीरियड क्या होता है? टैक्स हॉलिडे पीरियड कुछ ऐसे नंबर ऑफ इयर्स जिनमें आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कुछ ऐसे नंबर ऑफ इयर्स जिसपे, जिन नंबर ऑफ इयर्स में आप पे लगातार टैक्स नहीं लगेगा, वो लगातार 3 साल 5 साल ऐसा कुछ होते हैं, ठीक है ना, कुछ इनकम टैक्स के द्वारा अलाउड होते हैं। तो टैक्स हॉलीडे पीरियड, अगर एंटिटी टैक्स हॉलीडे पीरियड में है, तो टैक्स हॉलीडे पीरियड में है तो ऐसे कोई भी डिफरेंसेस, टेम्पररी डिफरेंसेस, चाहे टैक्सेबल हो चाहे डिडक्टेबल हो, कोई भी टेम्पररी डिफरेंसेस जो टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर रिवर्स हो जाए या विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे पीरियड, ऐसे कोई भी टेम्पररी डिफरेंसेस जो कि टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर ही रिवर्स हो जाए, उन टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। क्यों क्रिएट नहीं होगा, लॉजिक क्या है उसका? टेम्पररी डिफरेंस के ऊपर डीटीएल ईटीएल बनता है क्योंकि उनके रिवर्स होने से टैक्सेबिलिटी पर असर पड़ता है, या तो टैक्स ज्यादा लगता है या तो टैक्स कम लगता है। पर ऐसे टेम्पररी डिफरेंस जो टैक्स हॉलिडे पीरियड में रिवर्स हो जाए, उनके रिवर्स होने से टैक्सेबिलिटी पर असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम टैक्स हॉलिडे पीरियड में होने से कंपनी के ऊपर तो वैसे भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास टैक्सेबल डिफरेंस है, उसके रिवर्स होने पर टैक्स ज्यादा लगेगा, अरे नहीं लगेगा, मैं टैक्स हॉलिडे पीरियड में हूं। मेरे पास डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है, उसके रिवर्स होने पर टैक्स की बचत होगी, अरे नहीं चाहिए तेरे को मेरी, मुझे तेरी बचत, मैं वैसे भी टैक्स हॉलिडे पीरियड में हूं। तो ऐसे डिफरेंसेस जो कि टैक्स हॉलिडे पीरियड के अंदर ही रिवर्स होते हैं, उन डिफरेंसेस के रिवर्स होने के कारण भी आपकी टैक्सेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस वजह से आप उनके ऊपर डीटीए डीटीएल नहीं बनाओगे। तो ये क्या लिखा है, डीटीए डीटीएल arise and reverse in tax holiday period shall be ignored. Deferred tax arise in tax holiday period but reverse after tax holiday period consider. वापस से पढ़िए इसको, लिखो क्या दिखा है? DTA DTL arise and reversed in tax holiday period. Tax holiday period में कोई temporary difference arise हुआ और tax holiday period में कोई temporary difference arise हुआ और वो reverse भी tax holiday period में ही हो रहा है, आप उसको ignore करोगे, जबकि ऐसा कोई टेम्पररी डिफरेंस है जो कि रिवर्स हो रहा है टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद, आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, उसके ऊपर बनेगा।
बट रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड, तो उसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर करेंगे मतलब उसके ऊपर डीटी डिटेल बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया टैक्स हॉलीडे पीरियड। दूसरा शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स मतलब ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईसॉप में क्या होता है, ईसॉप में हम अपने एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर करते हैं कंसेशनल प्राइस पर, और जितना भी हम उनको कंसेशन देते हैं उतने अमाउंट से हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। इन डेज में उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, एक्चुअली इन डेज में हम उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझने के लिए? तो जब हम ईसॉप की अकाउंटिंग करते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एक्सपेंस एवरी ईयर एक्सपेंस बुक करते हैं। याद रखिएगा, एक्सपेंस बुक करते हैं मेरे भाई, एक्सपेंस बुक करते हैं और एक्सपेंस को पी एंड एल में लेके जाते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट कुछ नहीं होता। जबकि वही एक्सपेंस इनकम टैक्स में परमानेंटली नहीं डिसअलाउड हो जाता है, टेम्पररी डिसअलाउ हो जाता है, और वो बन जाता है हमारी असेट। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस हमारे पी एंड एल से हटा के वापस से बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में, कि हाँ फ्यूचर में जब तुम सच्ची मुच्ची जब अपने एम्प्लॉय को शेयर दोगे, अभी तो तुमने ऑफर किया है, अभी तो तुमने उसको कंडीशन रखी है कि भाई अभी आओ कंपनी में काम करो, तो फ्यूचर में सच्ची मुच्ची जब तुम उसको सचमुच में शेयर दे दोगे कंसेशनल प्राइस पे, तब हम तुम्हें उसका डिडक्शन देंगे। तो इनकम टैक्स में टैक्स बेस होता है कुछ ना कुछ, जैसे कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। फर्स्ट ईयर हम जब एक्सपेंस बुक करते हैं बुक्स में, तो कैरिंग अमाउंट जीरो हो जाती है, जबकि वही एक्सपेंस इनकम टैक्स में आपको डिसअलाउ हो जाता है टेम्पररी, और फ्यूचर में अलाउ होगा। फ्यूचर में अलाउ होगा तो इसका मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो आपकी असेट है, फ्यूचर में आपको अलाउ करेगी। तो फ्यूचर ये आपका मान लो 1,00,000 रुपए का आपका टैक्स बेस बन जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से आपका डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होता है। और ऐसे हर साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ऐसे हर साल आपका डीटीए बनता जाता है। और ये डीटीए रिवर्स कब होता है, डीटीए रिवर्स होता है जब आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउ हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, डिडक्शन विल बी अलाउड इन फ्यूचर व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज, देन क्रिएट डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन पर क्या बात की थी हमने, इंडेक्सेशन का फंडा क्या है, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, कैपिटल गेन निकालने के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ता है। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, मतलब इनकम टैक्स आपको कहता है कि अगर आपकी कोई असेट 36 मंथ से पुरानी हो जाए तो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी असेट की कॉस्ट को इनहेंस कर सकते हो, उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ऐसा इनकम टैक्स में होता है जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता। तो आप ये सोचो कि हमने एक लैंड परचेज किया और वो लैंड हमने परचेज किया 1,00,000 रुपीज का, जिसका कैरिंग अमाउंट 1,00,000 रुपीज है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसका कैरिंग अमाउंट 1,00,000 रुपीज है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इनकम टैक्स हमें कह रहा है कि एवरी ईयर हम तुम्हें इसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसका टैक्स बेस लेटस से हो जाएगा 1,10,000 दो तीन साल बाद। तो अगर लैंड का मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहा हूँ वैल्यू 1,00,000 जबकि टैक्स में दिखा रहा है 1,10,000, तो मतलब ये हुआ कि मुझे तो आगे चल के 10,000 का एडिशनल बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो इससे भी क्या क्रिएट होगा, इससे भी क्रिएट होगा डेफर्ड टैक्स असेट। पर जनरली इस पे कंपनी लोग नहीं बनाते, क्योंकि यहां पर हमारा थॉट ये होता है कि यार इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब लिया जाता है, जब आप बेचने का सोचोगे। और बेचने का, अगर मान लो मुझे बेचना ही नहीं है, मुझे मेरी ये लैंड नहीं बेचना है, तो मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट लूंगा ही नहीं, मतलब मुझे बेचना ही नहीं है। मैं जानता हूं कि फ्यूचर में मेरा एक्सपेक्टेड है कि मैं इस लैंड को बेचूंगा ही नहीं, तो जब बेचूंगा ही नहीं तो मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा तो ये लैंड के ऊपर मुझे इंडेक्सेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बेनिफिट नहीं मिलेंगे इंडेक्सेशन के, तो मेरा काहे का मुझे बेनिफिट, जब बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो मैं डीटीए क्यों बनाऊं। तो ये थोड़ा सा एक नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडेक्सेशन वाला, कि व्हेन देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एंटिटी विल गेट द इंडेक्सेशन बेनिफिट अंडर द टैक्स लॉ, टैक्स बेस ऑफ द असेट इज हायर, डीटीए इफ इंटेंशन टू सेल, इसका मतलब अगर इंटेंशन नहीं है
तो डीटीए नहीं बनाएंगे, नो डीटीए इफ इंटेंशन टू यूज इन द लॉन्ग टर्म। इसका मतलब अगर मैं फ्यूचर में इसको यूज करने का एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मुझे कभी कैपिटल गेन नहीं होगा, कभी कैपिटल गेन नहीं होगा, तो इसका मतलब मुझे कभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, तो मुझे डीटीए नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। बुक्स में वी कैन रिवैल्यू बट इन टैक्स रिकॉर्ड बेस विल सेम, बिल्कुल, उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मे चेंज ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, वेरी गुड, यस 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 बिल्कुल, बट इन सबसे क्या होगा, मुद्दा ये है क्या होगा, टेम्पररी डिफरेंस विल अकर, वेरी गुड, टेम्पररी डिफरेंस आएगा, बिल्कुल, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए लिमिटेड has invested in equity shares of B limited 100% investment कर लिया, तो B limited कौन बन गई, subsidiary, A limited कौन बन गई, holding, balance sheet of A limited यहां क्या दिखेगा, investment in subsidiary, 100% इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अच्छा, कॉस्ट क्या था, लेट अस से 1 लाख, हमने 1 लाख किया, 1 लाख पे रिकॉर्ड किया, ठीक है, यही वन लाख क्या बन जाएगा, टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट क्या है 1 लाख, पर फर्दर इयर्स में दिस कैन बी रिवैल्यूड, हम इसको रिवैल्यू कर सकते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको रिवैल्यू कर सकते हैं। किसने कहा रिवैल्यू कर सकते हैं, इंडेस 27 ने कहा, इंडेस 27 है, वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर को आप या तो कॉस्ट पे दिखाओ या तो फेयर वैल्यू करो। इंडेस 21 है फॉरेन एक्सचेंज, वो कहता है कि अगर आपका फॉरेन सब्सिडरी है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के चक्कर में जो भी डिफरेंस आए वो आप उसमें एडजस्ट करो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, ठीक है ना। इंडिया 36 ने कहा कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर अगर आपको लगता है कि इसको इंपेयरमेंट करना चाहिए तो आप इसकी वैल्यू गिरा सकते हो। तो कुल मिला के आगे चल के हम इसको वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं, वैल्यू गिरा भी सकते हैं, इस वजह से ये हो जाएगा कैरिंग अमाउंट। और अगर कैरिंग अमाउंट 120 कैरिंग अमाउंट बदल गया, टैक्स बेस तो नहीं बदलेगा, तो डिफरेंस तो है, सबसे बेसिक बात है, डिफरेंस तो है, कैरिंग अमाउंट बदला हुआ रहेगा, बिकॉज ऑफ सो मेनी इंडेस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूज में बदलाव आ सकते हैं, जबकि टैक्स बेस वही रहेंगे, तो डिफरेंसेस तो रहेंगे। अब इन डिफरेंसेस के ऊपर डीटीएल बनेगा, डीटीए बनेगा कि नहीं बनेगा, वो एक चक्कर है। तो यहां ये कहा गया है कि यार जनरली जैसे होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशनशिप होता है, वहां उस रिलेशनशिप के अंदर होल्डिंग के पास फुल कंट्रोल रहता है, होल्डिंग के पास फुल कंट्रोल होता है सब्सिडरी की डिसीजन मेकिंग में फुल कंट्रोल होता है। जिससे ये होता है कि हम आज ये कह रहे हैं कि भाई कैरिंग अमाउंट 120 है और टैक्स बेस 1 लाख है, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डीटीएल बनना चाहिए। डीटीएल क्यों बनना चाहिए, हमें पता है कि फ्यूचर में जाके टैक्स लगेगा, टैक्स कैसे लगेगा, अरे हम 20,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में हमें 20,000 का ज्यादा फायदा होगा, कैसे, या तो हमें सब्सिडरी को बेचेंगे तो बेचने से हमें एक्स्ट्रा सेल प्रोसीड 20,000 का आएगा, या तो फिर फ्यूचर में हमें हमारी सब्सिडरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे या तो बाय वे ऑफ डिविडेंड से हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। पर हम कह रहे हैं कि हम दोनों नहीं होने देंगे क्योंकि हमारा कंट्रोल है सब्सिडरी में, ना हम सब्सिडरी को बेचेंगे क्योंकि हमारा कंट्रोल है, हमारा इंटेंशन है हमारा बेचना ही नहीं है, दूसरा सब्सिडरी से हम डिविडेंड डिक्लेयर करवाएंगे ही नहीं क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करवाने की अथॉरिटी हमारे पास है, हम है शेयर होल्डर, पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर है, होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डर है, तो होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डर है तो उसके पास कंट्रोल है, वो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करवाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करवाएगा तो होल्डिंग कंपनी अपने पास डिविडेंड रिसीव करने नहीं देगा, जब डिविडेंड रिसीव ही नहीं करने देगा तो वो डिविडेंड रिसीव ही नहीं होने देगा। तो ऐसे केस में हाउ कैन यू से
कि टैक्सेबिलिटी आएगी, वो टैक्सेबिलिटी आएगी ही नहीं, वो एक तरीके से परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा। और यही रीजन है कि हम यहां पर बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी रिवैल्यूड बुक्स में, जबकि टैक्स रिकॉर्ड में ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा, तो इससे टेम्पररी डिफरेंस आएगा। टेम्पररी डिफरेंस सब्सिडियरी वाला है, एसोसिएट वाला है, जॉइंट वेंचर वाला है। पेरेंट हैज कंट्रोल, पेरेंट कैन कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ टेम्पररी डिफरेंस। रिवर्सल ऑफ टेम्पररी डिफरेंस मतलब पेरेंट के पास कंट्रोलिंग पावर है कि वो टेम्पररी डिफरेंस को रिवर्स कर सकता है नहीं कर सकता, ये उसके हाथ में, और डेफिनेटली इट इज एक्सपेक्टेड कि वो रिवर्स नहीं होने देगा। तो ऐसे केस में हम डीटीएल नहीं बनाएंगे। जबकि एसोसिएट कंपनी के केस में अगर कोई हमारी एसोसिएट है तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। एसोसिएट में क्या होता है, 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग हमारी, 50% से कम, हमारा कंट्रोल तो नहीं है। तो यही सेम सिचुएशन अगर एसोसिएट के केस में होने लगी तो हम ये कह सकते हैं कि यार कल को अगर हमारी एसोसिएट कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा तो हम रोक नहीं पाएंगे, हो सकता है हमें डिविडेंड मिल जाए, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल होगा तो डीटीएल आज बनना चाहिए, टैक्स लगेगा। तो पेरेंट कैन नॉट कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ रिवर्सल, इसीलिए डीटीएल बनेगा। और जेवी के केस में डिपेंड करता है कंट्रोल कैसा है और उसके ऊपर हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो दिस वाज सब्सिडियरी बना। और क्या चीजें बच गई, कुछ चीजें बच गई क्या? यस, पहला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिफरेंट टैक्सेबिलिटी, इट विल अफेक्ट द करंट टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड अर्लियर। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा टैक्स में प्रोविजन हो, है नहीं वैसे, बट हो सकता है कोई ऐसा बोल दिया जाए सरकार ने कि अगर जितना प्रॉफिट कमाओगे उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस पर टैक्स रेट अलग, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे उस पर टैक्स रेट अलग, तो फिर तुम्हारी करंट टैक्स लायबिलिटी भी उस हिसाब से निकलेगी, ठीक है ना। हो सकता है जब तक तुमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉफिट अर्न किया 1 करोड़ रुपीज का और मेरा डिस्ट्रीब्यूट करने का फिलहाल इरादा नहीं है, मैंने 1 करोड़ रुपीज के ऊपर 30% का टैक्स का लायबिलिटी क्रिएट कर लिया, करंट टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर लिया। पर आगे चल के डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड हमने उसके ऊपर कुछ टाइम बाद, अब हमने उसके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उतना प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ में से 50 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन के ऊपर मान लो ज्यादा टैक्स है तो हमें टैक्स, हमारी करंट टैक्स लायबिलिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी आगे चल के। या उल्टा भी हो सकता है कि डिक्लेरेशन के ऊपर टैक्स रेट कम है और हमने डिक्लेयर कर दिया, तो लेट अस से डिक्लेयर करने के बाद हमें हमारी करंट टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करना पड़े। तो अगर ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल और अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट्स है तो आपको करंट टैक्स लायबिलिटीज में आगे चल के फ्यूचर में सेटलमेंट करने पड़ सकते हैं। दूसरा, डीटीए ऑफ अक्वायरर मे बी अफेक्टेड ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन करने की वजह से, बिजनेस कॉम्बिनेशन में दो पार्टीज होती है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में दो पार्टीज होती है, एक होता है आपका अक्वायरर, एक होता है अक्वायरी। अक्वायरर जब अक्वायरी के असेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है तो डीटीएल बनाता है और वो उसी एंट्री में एडजस्ट करता है गुडविल कैपिटल रिजर्व के थ्रू। पर यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन के चक्कर में हो सकता है अक्वायरर के खुद के डीटीए रिवर्स होने लगे या खुद के डीटीए क्रिएट होने लगे जो पहले नहीं बन रहे थे। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से अक्वायरर के खुद के प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन डीटीए अफेक्ट होने लगे। क्या बोल रहा है, इफ अर्लियर नॉट रिकॉग्नाइज नाउ दे मे बी रिकॉग्नाइज, इफ अर्लियर रिकॉग्नाइज दे देन नाउ दे मे बी रिक्वायर्ड टू बी डीरिकॉग्नाइज ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों भाई? बिजनेस कॉम्बिनेशन करने की वजह से हमने बिजनेस मर्ज कर लिया तो हमारे बिजनेस पर अब इतना इफेक्ट आ गया कि जो डीटीए पहले बनाया था अब वो डीटीए अब किसी काम का नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि हमें कोई फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि हमने एक लॉस मेकिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो अब हमने जो डीटीए बनाया था उसका क्या मतलब है, अब तो हमारे पास लॉस में इतने सारे लॉसेस है कि हम अपने प्रॉफिट्स को सेट ऑफ कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं। और उल्टा हमारे पास पहले डीटीए नहीं हमने बनाए थे, अब हम डीटीए बना रहे हैं इस बेसिस पे कि हमें, हमने जिस कंपनी को टेक ओवर किया वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हमारे डिडक्शन अब हमें मिलने लगेंगे तो हम इसलिए बना रहे हैं। डीटी में अराइज ड्यू टू फाइनेंस लीज अग्रीमेंट बाय लेसर और बाय लेसी। ये लेसर लेसी वाला जो फाइनेंस लीज अग्रीमेंट और ये सब है, लीजेस के केस में मैंने आपको इतना बताया था कि फाइनेंस लीज में लेसर के केस में असेट डी रिकॉग्नाइज हो जाती है बुक्स में से और लीज रिसीवेबल अकाउंट रिकॉर्ड होता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पर, जबकि इनकम टैक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनकम टैक्स के अंदर लीज रिसीवेबल कुछ भी नहीं होता और असेट दिखती रहती है, तो वो सब टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट के डिफरेंसेस से आपका डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है। इसको डिटेल में मैं लीजेस के इंडेक्स में समझाऊंगा। दैट्स इट। एक और लास्ट बात,
मिसलेनियस प्रोविजन, अच्छा ये स्पेशल केसेस तो हो गया, लास्ट मिसलेनियस प्रोविजन क्या क्या बचा हुआ है इसमें, रीअसेसमेंट ऑफ डीटीए एट ईच बैलेंस शीट डेट बेस्ड ऑन रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। हर बैलेंस शीट डेट पर ये चेक करो कि जो आपने डीटीए बनाया हुआ है वो रिवर्स आगे चल के हो सकता है कि नहीं। आपने बनाया हुआ था पिछली बार ये सोच के कि रिवर्स होगा, अभी तक रिवर्स अगर नहीं हुआ है तो अभी भी चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं कि रिवर्स होने के चांसेस नहीं है, अगर ऐसा है तो आप आज ही हटा दो। तो डीटीए को रिव्यू करते रहो हर बैलेंस शीट डेट पे, डीटीए को रिव्यू करते रहो इस बेसिस पे कि फ्यूचर में वो रिवर्स होगा कि नहीं। आगे डिस्क्लोजर ऑफ रिकंसिलेशन ड्यू टू परमानेंट डिफरेंस, आपको याद होगा एक रिकंसिलेशन बनाने को कहता है इंडिया 12। इंडिया 12 कहता है कि बिकॉज ऑफ योर परमानेंट डिफरेंसेस आपको दो चीजों का रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा, दो रिकंसिलेशन बनाने पड़ेंगे आपको। पहला रिकंसिलेशन बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ये रहा रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम विथ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। हाँ रिकंसिलेशन बिटवीन टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम मतलब करंट टैक्स एंड टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम अकाउंटिंग इनकम मल्टीप्लाई बाय इनकम टैक्स रेट, और दूसरा रिकंसिलेशन ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट एंड एक्चुअल टैक्स रेट और इफेक्टिव टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट का फॉर्मूला, चलो कोई बता दे इफेक्टिव टैक्स रेट का फॉर्मूला, इफेक्टिव टैक्स रेट बोलो, कहां गए यस, टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम, टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम नहीं अकाउंटिंग इनकम। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, लोग ध्यान नहीं दोगे गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे साथ। ये देखो टैक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय अकाउंटिंग इनकम, टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम, टैक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय अकाउंटिंग इनकम। तो तुम्हें रिकंसिलेशन चाहिए रहेगा इफेक्टिव टैक्स रेट और एक्चुअल टैक्स रेट दोनों का, और दोनों रिकंसिलेशन रिक्वायर्ड कब होते हैं, जब परमानेंट डिफरेंसेस हो। शॉर्टकट ऑन हाउ टू क्रिएट डीटी डिटेल, मैंने एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है बीआरएस टेक्निक का। बीआरएस टेक्निक क्या, जिस बैंक रिकंसिलेशन में हम पासबुक मतलब बैंक बुक को कैश बुक के साथ रिकंसाइल करते हैं, ठीक है ना, हम पासबुक मतलब बैंक बुक को कभी बदलते नहीं है, वैसे ही टैक्स बेस को आप मान लो पासबुक, टैक्स बेस को आप नहीं बदलोगे कभी, और कैश बुक मतलब कैरिंग अमाउंट, कैश बुक मतलब कैरिंग अमाउंट। अब आप क्या करोगे, आप कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से रिकंसाइल करोगे, ठीक है ना, कंपेयर करोगे, ठीक है। याद रखिएगा जो भी टैक्स बेस होगा उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, और जो भी कैरिंग अमाउंट होगा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं टैक्स बेस के पैरेलल में लाने के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस, ये मेरा टैक्स बेस है जो कि मेरा एक जैसा रखा हुआ है, जो कि मेरा ये मेरा टैक्स बेस है ये वाला, मुझे कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करना है। तो हम जब ऐसी टेक्निक जब फॉलो करते हैं तो हमें डीटीए डीटीएल समझ में आता है कि हाँ यार डीटीए बनेगा कि डीटीएल बनेगा, ठीक है। जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, पीपीई की डब्ल्यूडीबी है 5 लाख, कैरिंग अमाउंट है 5 लाख, जबकि पीपीई का इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में उसका ब्लॉक का वैल्यू है 4 लाख, तो टैक्स बेस हो गया 4 लाख, टैक्स बेस हो गया 4 लाख, और वैल्यू है पीपीई की कैरिंग वैल्यू है 5 लाख, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है तो मैं उसको नीचे करूंगा, कैरिंग टैक्स बेस के बराबर लाऊंगा, तो मैं कैरिंग अमाउंट को नीचे कर रहा हूं, मतलब मैं असेट को नीचे कर रहा हूं, इसकी बात चल रही है पीपीई की ना, मतलब मैं उसको नीचे कर रहा हूं, असेट नीचे, असेट नीचे मतलब लायबिलिटी डीटीएल, डीटीएल क्लियर हुआ क्या लिखा है, ऑलवेज एडजस्ट कैरिंग अमाउंट टू कंफर्म विद द टैक्स बेस। सो यस ऑल इन ऑल दिस वॉज योर इंटायर इंड एस 12, दिस वॉज योर इंड एस 12, इंटायर इंड एस 12। आप मुझे बता दो देख के आपकी बुक में कुछ छूटा क्या, अगर आपको लगता है कि कुछ पोर्शन छूट गया है तो आप मुझे बताओ, कुछ पोर्शन अगर आपको लगता है छूट गया है तो मुझे बताओ, टेल मी।
चलिए जवाब दीजिए मुझे, आई एम डन। सो दिस इज रिविजन, ओके, इंड एस 12 का रिविजन यही समाप्त होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। रिविजन के बाद क्या होना चाहिए? रिविजन के बाद आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के रखे हैं आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स के, और क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन वीडियो इंडेस 12 का जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए वो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो अलग से। एनीवेज, आई होप आपको ये रिविजन हेल्पफुल रहा होगा आज का। आज की क्लास मैं यहीं पर कंक्लूड करना चाहूंगा।